गुड मॉर्निंग मम्मी। पूर्वी गुड मॉर्निंग, कैसी रही रात? बढ़िया, नींद आई? तो ये है गाइस डे टू की मॉर्निंग। हम लोग ये होटल से आज सुबह अब चेकआउट कर रहे हैं। कल रात को हम इस होटल में रुके थे जबलपुर में, और चेकआउट करके अब हम आज निकलने के वाले हैं अमरकंटक के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारी ट्रिप थोड़ी एक्सटेंड हो गई है और हम लोग अब निकल रहे हैं अमरकंटक के लिए। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं अमरकंटक। गाय के भजिए बनाए हैं, आलू पालक धनिया और नाइस चटनी भी। कैसा है विशाल? हाउ इज इट पूर्वी? मम्मी अच्छा? हमारे रास्ते में पड़ा जोगी टीकर का ये घाट। ये नर्मदा जी का घाट है, और यहाँ की खासियत ये है कि जब भी नर्मदा जी में बाढ़ आती है या ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, तो यहाँ का पानी ओवरफ्लो हो जाता है और पुल के ऊपर आ जाता है, और एक वो बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। दोनों तरफ से लोग इस घटना को देखने के लिए खूब भीड़ जमाते हैं। अरे ये बच्चा नारियल पकड़ रहा है वापस से। बताओ पूरी क्या क्या भक्तों ने नारियल फेंके पूजा करके पानी में, फिर ये बच्चे तैरना जानते हैं, वो नारियल उठा लाते हैं। हाँ, उसको वापस से दुकान में बेच देते हैं। रिसाइकल होता जाता है। नाइस, चलो गाइस उधर साइड से दिखाते हैं। क्या बोल रहा है? गर्मी की छुट्टियों में नहाते थे यहाँ पे बचपन में। ओह, अभी जैसे बोला था वैसे बोलना, लौटते रहते थे। इस घाट से सामने जा सकते हैं पास में। हम लोग अब पहुंच गए हैं अमरकंटक। यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, और यहाँ पे इतनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, पूजा का सामान मिल रहा है और भी तरह तरह के कई सारी चीज़ें मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक 5 लीटर का बोतल ले लिया है नर्मदा जल भरने के लिए, और प्रसाद की थैली ले ली। अब हम चलते हैं अंदर। अंदर भी तरह तरह की दुकानें, जड़ी बूटियाँ, फूल माला सब मिलता रहता है। जूते चप्पल बाहर उतार कर हम इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये है नर्मदा जी का मंदिर। आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देती हूँ इस मंदिर का। बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर का, बहुत ही मनोरंजन दृश्य है। और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पे नर्मदा माता जी का कुंड है। आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सारे लोग आए थे, भक्तजन आए थे। तो ये है नर्मदा जी का कुंड। यहाँ से ही नर्मदा जी उत्पन्न हुई हैं, और यहीं से उनका जन्म हुआ है। यहाँ पे सामने ही सूर्य देवता का भी एक मूर्ति है 7 घोड़ों के साथ। मंदिर की लाइन देख रहे हैं कितनी लंबी है। अमरकंटक का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये हाथी। इस हाथी के अगल बगल में इतनी भीड़ लगी थी कि आप पूछिए मत। ये कहते हैं जो इस हाथी के नीचे से निकल जाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, और जो ना निकल पाए अब भला उसका क्या कह सकते हैं। मेन निकली है ना, ये जो बनी है मंदिर, हाँ, वहाँ से निकली है, उसका पानी यहाँ आया है। अच्छा, इसके बाद हम नर्मदा नदी का जल यहाँ से भरकर थोड़ा सा नमन कर आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं माई की बगिया, अमरकंटक का दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बगिया तो मतलब अभी नाम सिद्ध करने के लिए कर दिए। हाँ, लेकिन पहले ये जंगल वगैरह ही बगिया है एक तरह की।
माई की बगिया के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हमारी तीसरी डेस्टिनेशन सोनमुड़ा के लिए। सोनमुड़ा को सोन नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। तो ये रास्ता काफ़ी नीचे होकर है, बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना पड़ता है, और वहाँ आप जो देख रहे हैं ना बगल में छोटा सा झरना, वही है सोन नदी का उद्गम स्थल। वो नदी छोटे से झरने के रूप में धीरे धीरे साथ साथ हमारे नीचे उतरेगी और नीचे जाकर पहाड़ों से झरने के रूप में गिरेगी। तो ये नदी आप देख रहे हैं, बस ये जो गिर रही है ना, यही है सोन नदी का उद्गम। और ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ खाई नज़र आती है। बहुत सुंदर दृश्य है। हमें वापस लौटने के लिए वही खड़ी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आना था, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा। उल्टे आने में तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई। क्यों मम्मी, देखना नहीं मम्मी ज़्यादा इससे। आप लोग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काय काफी चढ़ के आना पड़ गया। और पूर्वी थोड़ा सा लेकिन मजा भी आ रहा है। अच्छा वो पहले खाली है ना? पहले खाली है। हाँ। अकाउंट 12 हो गया। ओ खाल सब पच जाए तो अच्छी लगे, खानी चाहिए। हाँ ना, ऐसा नहीं सोचो तुम, ठीक है? जो चीज अच्छी लगे उनको ही खानी चाहिए। बस उतना सा और बचा है। ऊपर वापस लौटकर हम लोग अब निकल गए हमारी चौथी और आखिरी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कपिलधारा। इसे अमरकंटक की सबसे सुंदर जगह भी कहा जाता है। यहाँ पे आने के लिए हमें एक पार्किंग टिकट कटानी पड़ी, और अंदर जाके आप यहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ थी। दुकानें भी लगी हुई थी, तरह तरह का सामान मिल रहा था, जड़ी बूटियाँ मिल रही थी। और ये देखिए वो नर्मदा नदी है जो यहाँ से होते हुए अब आप देखेंगे इस पुल के नीचे से होकर वहाँ से बह रही है, और हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये हमारे साथ साथ ही बहेगी और आगे जाके कपिलधारा के रूप में ऊपर पहाड़ियों से नीचे गिरेगी। यहाँ पे कहीं पे जड़ी बूटियों की भी दुकानें थी, बहुत तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिल रही थी। हमने जटामासी खरीदी, इससे बालों में लगाने के लिए तेल बनाया जाता है। और ये बगल में नर्मदा जी साथ साथ हमारे चल रही हैं। और आपको ये नई चीज दिखाती हूँ, ये है राम कंदमूल, इसे कहते हैं राम जी खाते थे। नारियल जैसे फ्लेवर है। हाँ। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भटकटैया का फल है। ओ। इसको दवाई में आता चोट से पानी अज्ञात पीस के लगाता है। क्या है? ताजी ब्राह्मी। ब्राह्मी इसकी जटामासी की क्वालिटी बहुत अच्छी ताजी है, मीठा टाइप का, ये ब्राह्मी भी अच्छी। तो ये नर्मदा नदी ही है जो साथ साथ में बह रही है, और इस पुल से हम दूसरी तरफ जाकर नीचे दूधधारा देखने भी जा सकते हैं। ये है नर्मदा नदी और यहाँ से हम लोग चल कर आए हैं। तो नर्मदा नदी के साथ साथ ही हम चल रहे थे, और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये कैसे कपिलधारा में बदल जाती है। तो यहीं से ये झरना है, इस झरने को ही कपिलधारा कहा जाता है। और अब मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाती हूँ। तो साइड से ये ऐसा दिखेगा, और ये है व्यू पॉइंट से व्यू। यहाँ से आप कपिलधारा को क्लियरली देख सकते हो, और नीचे जो है वो दूध धारा है। जब पानी ज़मीन पे लगता है और वो दूध की तरह से खूब सारा झाग हो जाता है और एकदम सफ़ेद दिखता है, तो वहाँ उसे दूध धारा कहते हैं, और ऊपर इसे कपिलधारा कहते हैं। आप देख सकते हो नीचे काफ़ी लोग गए हुए हैं, वहाँ पे ट्रैक करके नीचे उतर के भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय कम था और इतना सारा ट्रैक करने के लिए समय भी नहीं था और हालत भी नहीं हो रही थी, तो हम लोग नीचे नहीं गए, ऊपर से ही इसे देखा है। पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही मोहक व्यू था ये। अब शाम के 5 बजने लगे हैं, और अब हम लोग यहाँ अमरकंटक से लौटने के लिए निकल गए हैं। हमें आगे जाना है शहडोल। तो शहडोल जाने के लिए लगभग 180 किलोमीटर का हमें फासला तय करना था, जो कि किरण घाटी से होते हुए जाता है। और ये घाटी एकदम बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था अपने आप में। इतने सुंदर घाट, इतनी घुमावदार रोड, कोल 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 मटोल, पेट में तो गुदगुदी हो जाए। बहुत अच्छा लगा इस रोड पर भी, और इसके बाद हम पहुंच गए शहडोल। मम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई है आज। गाइस हम लोग आज आए हुए हैं डे 2 में, फाइनली हमारा रात में हम स्टे करने आए हैं शहडोल में। होटल का नाम है, पूरी होटल का नाम क्या है? सिटी स्टार होटल, सिटी स्टार। यहाँ पे 4th फ्लोर पे हैं हम लोग, और यहाँ पे बहुत बढ़िया सा पूल साइड व्यू है, और बहुत ही अच्छा सिटिंग एरिया है रूफ टॉप पे।
तंदूरी चिकन आ चुका है, नूडल्स ऑर्डर करे थे वो आ गए हैं और साथ ही खाना भी आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, साथ में हमारे पनीर टिक्के भी आ गए हैं। रात में स्टे करने के लिए हमने लिए इसी होटल में 2 डीलक्स रूम्स। रूम्स काफ़ी स्पेशियस, बहुत सुंदर, अच्छी फैसिलिटी के साथ थे। सर्विस भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्रॉम्प्ट थी और खाना तो लाजवाब था इस होटल का। होटल सिटी स्टार गाइस, शैडोल आए तो डेफिनेटली यहाँ ज़रूर आए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे बहुत अच्छा लगा ये होटल। अगली सुबह हमने 7 बजे यहाँ से चेकआउट कर लिया और हम लोग निकल गए भोपाल के लिए। भोपाल के रास्ते में जो नेक्स्ट अमेजिंग चीज़ हमने देखी वो थी पौड़ी का डैम। तो ये डैम इतना सुंदर, इतना विशाल और यहाँ पे एक गेट भी खुला हुआ था, तो इससे आप देख सकते हो पानी की तेजी में बह रहा था। और इसकी आवाज़ ज़रा सुनिए। आपको ज़रा 360 डिग्री व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का। पौड़ी के डैम का ये व्यू तो बिल्कुल ही हाईलाइट ऑफ द ट्रिप बन गया। इतना अमेजिंग व्यू, इतना सुंदर नज़ारा शायद ही मैंने और आपने कभी देखा हो। तो इसके साथ मैं इस वीडियो का आज एंड करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रही, दोनों दिन बहुत अच्छे से कटे। तीसरे दिन हम लोग अब भोपाल के लिए निकल गए हैं और आपको मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।